हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 109, ठीक है 110, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। क्या है, कहता है बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड सेकेंड में क्या निकलना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो, जब भी ये मोशन का न्यूमेरिकल आता है तो हम लोग को तीन इक्वेशन पता होना चाहिए। कौन कौन सा तीन इक्वेशन है जो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है ये पता होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन। वी क्या है, वी को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन और टी क्या है टाइम। ठीक है, यही चार चीज़ को हमको रिलेट करना है। तो ये पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ये सेकेंड इक्वेशन। एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है ए है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। ये तीन फार्मूला आपको याद है तो हर तरह का न्यूमेरिकल क्या है मोशन का बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये देखो क्या है एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कैसे समझेंगे इसको, समझने के लिए भी एक्सेलरेशन लिखा हुआ, भी एक्सेलरेशन ऑफ इतना तो इसमें तो लिख ही दिया है, नहीं तो कैसे समझते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, इससे हम समझ लेंगे। ठीक है, तो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए हो गया, क्या है एक्सेलरेशन हो गया। कितना है टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। ओके, जब भी मिनट में आए इसको आप क्या कीजिए सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं एक्सेलरेशन के नीचे में क्या रहा है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है सेकंड, तो 2 × 60 कीजिए कितना आ जाएगा 120 सेकंड। ओके, और जब भी एक्सेलरेशन आपको पता रहे और क्या कर रहा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट मतलब क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यू से हम इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया जीरो। ए टी और यू जब आपको पता रहे, अब निकालना क्या है स्पीड एक्वायर्ड, कितना स्पीड होगा, तो ये तीनों का कौन सा रिलेशन आपको, मतलब ये तीनों में कौन सा इक्वेशन है जो सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे। जैसे आप ये देख रहे होंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना भी है, टाइम भी है इसमें। ठीक है, तो ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, इस तरह से रिलेट करेंगे एक दूसरे इक्वेशन को, क्या क्या दिया हुआ है गिवन में। ओके, तो इससे क्या कर लिए हम लोग रिलेट कर लेंगे, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है आपके पास और ये, तो यहाँ पे क्या हम रखते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, ओके, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ वी बराबर क्या हो जाएगा यू प्लस ए टी। ओके, तो यहाँ से आप बताइए यू बराबर कितना दिया हुआ है, यू क्या इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट, जब भी रेस्ट लिखा हुआ आ रहा है आप जीरो लीजिएगा। ओके, एक्सेलरेशन कितना है 0.1, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ 120 सेकंड। ठीक है, इसको आप कीजिएगा जीरो नीचे, कितना आ जाएगा इसको आप सॉल्व करने के बाद 12 आ जाएगा, पूछो क्यों। अब क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया। ओके, सेकंड में क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको निकालना है तो ये ध्यान में रखेंगे कि हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो कौन सा रिलेशन है जो टाइम भी रहे और डिस्टेंस निकालना है। जब भी टाइम दिया हुआ रहे, इनिशियल वेलोसिटी पता रहे, तो क्या हम ये फार्मूला सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, जब भी टाइम दिया हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें सेकंड थर्ड इक्वेशन में भी एस क्या है डिस्टेंस को ही बता रहा है, लेकिन क्या है इसमें क्या टाइम नहीं दिया हो तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसको भी हम यूज करके निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या है फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ भी पता चल चुका है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी हम लोग को पता है, निकाल चुके दिया हुआ एक्सेलरेशन। ओके, तो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन आपको गिवन में दोनों इक्वेशन से हो जाएगा, लेकिन जब टाइम दिया हो रहेगा तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, और यदि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन से बना सकते हैं हम
करते हैं जैसे हम सेकंड इक्वेशन से बनाना चाहते हैं, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू टी कितना हो जाएगा जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो, टाइम कितना है जो भी दिया हो रहेगा 120 सेकंड दिया हुआ है, हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 120, ठीक है 120 और टाइम का स्क्वायर है 120 का स्क्वायर, ओके। ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जीरो। इसको आप और क्या कीजिएगा, हाफ सॉल्व कीजिए 0.1 इंटू 120 इंटू 120 लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट को हटाओ, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, इसको काटो, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 × 6 = 72, मतलब 720 मीटर, इतना मीटर आ गया 720 मीटर, ओके, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आप थर्ड इक्वेशंस का भी यूज कीजिएगा तो यही आने आ रहा होगा, आप थर्ड इक्वेशन को भी यूज कीजिएगा तो क्या यही आ रहा होगा आंसर, सेम आंसर आ रहा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, ओके। आप निकाल के इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कितना है फाइनल वेलोसिटी जो आप निकाले हैं, यहाँ पर कितना फाइनल वेलोसिटी निकाले हैं 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप यहाँ पर पुट कीजिएगा 12, ओके। इनिशियल वेलोसिटी तो पता है जीरो है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो पता ही है 0.1 है, 0.1, ओके। यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल के बताइएगा कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, पेज नंबर 110 का प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं, ओके, क्या है देखते हैं, क्या है प्रॉब्लम, कहते हैं ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हो रहा है गिवेन लिख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए गिवेन ही है, ये क्या है आपका गिवेन, तो इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया आपको, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कहीं लिख लीजिए कि 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये यू आपको दे दिया, जैसे जैसे दिया हुआ लिखते जाते हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है पता हो गया हमको 90 किलोमीटर पर आवर है, जब भी 90 किलोमीटर पर आवर दिया हो रहा है आप इसको क्या कीजिएगा मीटर पर सेकंड में कोशिश करना नहीं, इसको कन्वर्ट करना है भाई, ठीक है, कोशिश कुछ नहीं, किलोमीटर पर आवर है, हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में, इसके लिए क्या करेंगे 5/18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 × 25 = 90, ये क्या आ जाएगा 25, कितना हो गया 5×5 = 25, ये क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्यों समझ ही रहे हैं, वेलोसिटी है यूनिट मीटर पर सेकेंड, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगा, डायरेक्ट नहीं रुकेगा लेकिन एक समय आएगा क्यों क्या है उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ब्रेक्स लगाने के बाद धीरे धीरे गाड़ी जाके क्या होगा रुक जाएगा, ठीक है, यही बना है। तो यहाँ पे ट्रेन है तो ट्रेन जाके क्या होगा रुक जाएगा, तो कभी भी ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा भी बराबर जीरो हो जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस रिटार्डेशन को डिनोट कर रहा है, रिटार्डेशन क्या होता है भाई, रिटार्डेशन मतलब वही कि आपको धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कम रहा है, ठीक है, रिटार्डेशन मतलब क्या है कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कम रहा है, मतलब ब्रेक लगा गया, माइनस के मतलब यही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दिया गया है, एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे इसमें डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, डी एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया है, ओके, एक्सेलरेशन आपको क्या हो गया पता हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब निकालना क्या है डिस्टेंस भाई, कितना दूर जाएगा। अब देखो तो क्या क्या तुमको बताया, वी पता है, यू पता है और एक्सेलरेशन पता है। अब कौन सा रिलेशन यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि इसमें टाइम तो दिया हुआ नहीं, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो फिर फॉर्मूला वही यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। यहाँ से s बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से s बराबर क्या लिख सकते हो, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है,
भी कितना हो जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है अभी निकाले हैं हम लोग सॉल्व करके, कितना निकाले हैं देख रहे हैं 25, यही है ना इनिशियल वेलोसिटी। ओके तो इसको हम लोग यूज करेंगे, कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना 2a एक्सेलरेशन कितना है -0.5, रिटार्ड कर रहा है। ओके इतना आ गया, इसको आप सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर इतना होता है, ये कितना आ जाएगा -1, ठीक है। इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1, ऊपर माइनस और माइनस कट गया 625 मीटर, सही बात है। यदि माइनस में आंसर आ रहा है तो डिस्टेंस तो कभी माइनस में होगा नहीं, दूरी कभी माइनस होगा नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 625 मीटर प्लस आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही आ रहा है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, यदि माइनस आ रहा है तो मतलब क्या है कहीं ना कहीं आप साइन कन्वेंशन लेने में गलत किए हैं, ठीक है। ठीक है, साइन कन्वेंशन मतलब वही एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन को माइनस आप नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो 625 मीटर पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एज इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन 2 cm/s², व्हाट विल बी वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने का, आफ्टर द स्टार्ट जैसे ही बोला भाई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे, ठीक है। क्या क्या गिवन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, कितना दे दिया है यहाँ देखिए कितना दिया है 2 cm/s². जब भी 2 cm/s, इसको आप क्या कीजिए cm/s² है, ये तो एक्सेलरेशन का नहीं होता है SI यूनिट, SI यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, m/s², ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है हमेशा, तो इसको क्या कीजिए कन्वर्ट कीजिए। तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यूनिट इसका m/s², तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.02 m/s², ये क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि 3 सेकेंड तक, टाइम भी दिया हुआ है क्या है 3 सेकेंड के बाद उसका क्या वेलोसिटी होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दे दिया है तो हम लोग क्या है सिंपल, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, अब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v = u + at, ओके ये यूज करेंगे। अब v + u = at आप यूज कीजिएगा तो u बराबर कितना आ गया 0, एक्सेलरेशन कितना आया 0.02 और टाइम कितना दिया हुआ है 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 0.06, इतना आ जाएगा क्या आएगा m/s में, ठीक है, क्योंकि इसको m/s, जैसे यहाँ पे आप यूनिट लिख सकते हैं क्या m/s² होता है और टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड, देख रहे हैं सेकेंड ऊपर ऊपर कट गया तो क्या है यूनिट, ऐसे समझ लीजिए m/s, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया वेलोसिटी का m/s, ठीक है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, थर्ड देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए रेसिंग कार है जो इन्फॉर्म्स एक्सेलरेशन ऑफ 4 m/s², व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। करा रेसिंग कार है जो इन्फॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है भाई, इन्फॉर्म एक्सेलरेशन जो इसका कितना दिया 4 m/s से वो चल रहा है, कोई भी गाड़ी है, ठीक है। बोल रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड के बाद उसका क्या वेलोसिटी होने वाला है, ठीक है, नहीं सॉरी क्या लिखा है, व्हाट डिस्टेंस विल कवर 10 सेकेंड के बाद क्या डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमको निकालना है आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख ले आए, लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ओके थोड़ा स्पेस ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 m/s² के हिस्ट्री से, कितना दिया हुआ है 4 m/s², तो जो जो दिया हुआ है उसको लिखते जाइए 4 m/s², ठीक है। और क्या दिया हुआ है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट मतलब जीरो, जब भी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट करने मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो है, आफ्टर स्टार्ट लिख रहा है लास्ट में आफ्टर स्टार्ट, ठीक है, ओके ये चीज़ ध्यान रखेंगे। टाइम कितना है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड जैसे ये 10 सेकेंड, ठीक है। जैसे ही तीनों आपको पता चले, तीनों यदि आपको एक साथ दिखे, आपको कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर, ठीक है, यही है, ठीक है, टी है ये आपको, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, टाइम जो भी रहे दस, क्योंकि कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, टेन से तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है, हाफ ए, ए कितना आया, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है फोर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है टेन का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा टू टू जा फोर, ठीक है, आई कितना हो जाएगा हंड्रेड, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है, तो ये आ गया कितना, ये आ गया आपका फोर्थ का सोल्यूशन, ठीक है, 200 मीटर आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं कौन सा प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, कहता है ये स्टोन इज थ्रोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या किया गया है, एक स्टोन को फेंका गया है, जो जो दिया हुआ है वो लिखते जाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बनाने में थोड़ा अच्छा होता है हम लोगों के लिए, ठीक है, तो दिया हुआ है क्या क्या की चीज़, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ हम लोग देखते चलते हैं और फिर उसको लिखते जाएंगे, थोड़ा स्पेस इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा क्या है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग लिखते जाएंगे, क्या क्या गिवन में, गिवन में लिखने से क्या होता है, प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम बनाते समय जो जो गिवन दिया हो रहता है उसको लिखिए, ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, स्टोन इज वर्टिकली अपर डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या किया गया है, उसको फेंका गया है, ऊपर फेंका गया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया गया, कोई भी बॉल है उसको फेंको यार, यहाँ से ग्राउंड है, ग्राउंड से जब फेंकेगा, फेंकने के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा जाएगा कि ऐसा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, फिर ये क्या होगा, वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, होगा ना, इधर से गया तो ऐसा नहीं होगा कि आसमान में बॉल जा ही रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, जो आप एनर्जी मस्कुलर एनर्जी लगाए हैं, एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, आप ये एनर्जी इसके पास रहेगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा, ये काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा, और उस समय क्या होगा, एक हाइट पे जाने के बाद उस सेकेंड के लिए इसका क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक समय तो ऐसा जरूर आएगा कि क्या होगा, बॉल को फेंकें, तो एक समय ऐसा आएगा ऊपर गया, बहुत आसमान गया, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना कि उस समय क्या हो जाएगा, वापस आएगा, और जब भी कोई भी बॉडी टर्न करता है ऊपर से, तो ऊपर से टर्न करते समय क्या होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यही हमको ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि रुकने के बाद ही तो वो वापस आएगा, ठीक है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है, यही इस प्रॉब्लम का क्या है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, कि जो ऊपर जा रहा है बॉल, बॉल जाने के बाद क्या होगा, वो रेस्ट में आएगा ही, तभी वापस आएगा, ओके, करें इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कह रहा है कि एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन बोल रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो ऊपर है, ठीक है, और लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, नीचे है, ठीक है, इसलिए इसको हम माइनस कंसिडर आउट कर रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट में, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाई द, कितना हाइट अटेंड करेगा बाई द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू रीच देयर, अब कितना टाइम लगेगा ये भी निकालना है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, यू पता हो गया, वी भी पता चल गया, और एक्सेलरेशन भी पता चल गया, अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कौन सा थर्ड इक्वेशन का, टाइम वाला तो है नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस, ठीक है, यहाँ से एस बराबर क्या लिखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए लिखोगे ना, समझ गए, तो ये चीज़ लिखना है हम लोगों को, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइव का स्क्वायर, ठीक है, इतना ही है, टू एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसे यहाँ से सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, माइनस 25, ठीक है, इसको आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 20, ये कट जाएगा, ठीक है, इसको आप काटिए कितना आ रहा है इसका आंसर, जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये
इसको कीजिए 5 × 20, ठीक है 1.25 क्या आएगा, डिस्टेंस है तो क्या होगा मीटर में, ठीक है तो 1.25 मीटर, ये क्या आ गया, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब तुम बॉल को फेंकोगे तो कितना दूर तक जाएगा, 1.25 मीटर, जैसे बॉल यहाँ था, यहाँ ग्राउंड से कितना ऊपर तक जाएगा 1.25 मीटर, और फिर क्या हो जाएगा वापस चला आएगा, ठीक है 1.25 मीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, टाइम भी निकाले, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने, मान लो टी टाइम लगा, ठीक है ये निकालना है, तो वी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, यहीं से हम निकालते हैं, तो वी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, यही है, ठीक है एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है -10 × t, ठीक है यहाँ से आप क्या कीजिए 5 बराबर ये कितना हो जाएगा -10 t हो जाएगा ना, ठीक है थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ये देखो क्या होगा -10 t को इधर लेके चले जाओ, तो 10 t बराबर कितना हो जाएगा 5, तो t बराबर कितना आ जाएगा भाई 5/10, ओके तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड लगेगा 1.25 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।